इधर तो हमारा बटेर का मीट बनकर रेडी है और इधर भैया तंदूरी रोटी पीट पीट कर हाथ से बना रहे हैं। तो चलिए चल आपको दिखाते हैं आज बटेर का रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको लेकर आए हैं बोकारो के न्यू महतो रेस्टोरेंट में, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है न्यू महतो रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो देखिए इधर किचन है जिसे हम बाद में दिखाएंगे आपको, पहले हम आपको दिखाते हैं सिटिंग एरिया। तो यहाँ पर सारा मैनेजमेंट किया हुआ है, इधर मैरिज हॉल है, इधर भी आप कुर्सी लगा कर बैठ सकते हो। तो चलिए चलते हैं इसके किचन में। देखिए दूर से ही राजू भैया मुस्कुरा रहे हैं। तो राजू भैया हमें क्या बना कर खिला रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए रखा हुआ है स्पेशल सा कुछ चीज़, जो कि है बटेर का मीट। तो यहाँ पर बटेर चार टुकड़ों में काट दिया गया है, बड़े बड़े हिस्से में किया गया है। अब राजू भैया हमें बनाकर खिलाएंगे बटेर का मीट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कढ़ाई पूरी तरह से गर्म हो चुका था, जिसमें सरसों तेल डालकर प्याज को भी भून लिया जा रहा है। तो प्याज अभी गोल्डन ब्राउन होने तक भूना जाएगा, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो अब क्या करेंगे? इसको भूनेंगे। तो देख सकते हैं कि प्याज यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब बटेर का मीट इसमें डला रहा है और इसे अब भूजा जाएगा अच्छी तरह से। अब हमें बताइए कि बटेर तो इसमें चला गया है, अब क्या करेंगे इसको? अब इसमें कुछ पड़ेगा या फिर? अच्छा ये बताइए हमें कि बटेर कितना देर लगता है बनने में, कितना टाइम लेता है? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट में रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हुआ था ढका हुआ, भैया इसे ढक्कन हटा दिए हैं और यहाँ अच्छे क्वांटिटी पे अब इसमें जा रहा है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट के साथ सारे मीट अब अच्छी तरह से इसे भून लिया जाएगा, ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मीट का अच्छा सा फ्लेवर हो जाए। तो चलिए इसे भूनने में टाइम लग रहा है, तब तक हम भैया से कुछ बात कर लेते हैं। तो राजू भैया हमें बताइए जो बटेर है आप लोग ठंडा में ही बेचते हैं सिर्फ? अच्छा मिलता है हमेशा, तो इसे क्या गर्मी में भी खाता है? खाने वाला खाता है, खास कारण तो इसका बनो इसका ज़्यादा गर्मी देता है, इसलिए खाता है आदमी। ठंडा में फायदा करता है, गर्मी में नहीं करता है इसकी, तो सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, खा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन के पेस्ट अच्छा तरह से मीट के साथ यहाँ पर हो गया है फ्राई। और अब डालेंगे मसाला। मसाला में यहाँ पर डाल रहे हैं काली मिर्च पाउडर, उसके बाद डालेंगे ये जीरा का पाउडर, फिर डालेंगे उसके बाद अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर हल्दी का पाउडर, और अब थोड़ा सा जाएगा इसमें नाम का अजीना मोटो। अजीना मोटो से यहाँ पर बताया जा रहा है कि बटेर का मीट अच्छी तरह से यहाँ पर और अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर सारे मसालों को मीट के साथ अच्छी तरह से फ्राई किया जाएगा, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। और इसे अभी लगातार थोड़ी देर इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि मसाला मीट एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो तो जाए। इसका मीट क्या थोड़ा टाइट तो नहीं रहता है? जैसे इसको मैंने आदमी खाता है तो बोलता है थोड़ा पूरा सीधा है, वो थोड़ा अच्छा से पक जाता है। तो लगभग 4 से 5 मिनट तक इसे पानी डाल कर फ्राई किया गया मसालों के साथ, और अब इसमें डाला जा रहा है स्वाद अनुसार नमक। नमक तो इसमें स्वाद अनुसार चल गया, और अब डलाएगा इसमें पानी, ताकि ये अच्छी तरह से और भी पक जाए। तो ये कितने देर तक रहेगा इसमें? अच्छा 5 से 10 मिनट तक ना। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसका ढक्कन हटाएंगे। तो ढक्कन हटाने पे देखिए इसका नज़ारा, तो यहाँ पर सारा पानी यहाँ पर सूख गया है और बटेर का मीट भी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। तो अब इसमें कुछ कुछ मसाला ऐड अभी और होना बाकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जा रहा है MDH का किचन किंग मसाला, उसके बाद और भी जाएगा यहाँ पर कश्मीरी मिर्च, जिससे इसका कलर बहुत बढ़िया सा दिखेगा। और अब जाएगा इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी भर गर्म मसाला पाउडर, जिससे इसका टेस्ट सुगंध बढ़ जाएगा। और अब सारे मसालों को अच्छी तरह से और भी हम मिक्स कर देंगे, और लास्ट में इसमें जाएगा धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती भी हम डाल दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा बटेर का मीट बनकर रेडी है। तो इस तरह सा बटेर का मीट यहाँ पर बन चुका है। आशा करते हैं आपको ये बटेर का मीट का रेसिपी अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट कर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।